वेलकम टू ब्राइट मोड। शॉर्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो आज का हमारा टॉपिक है 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो उसमें 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अगर कोई कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उन्हें 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स के अलावा और 3 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, और वो है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। अब हम 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स को एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट P है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब ऐसी टेंजिबल चीज़ जो कंज्यूमर की नीड्स और वॉन्ट्स को फुलफिल करने के साथ साथ उनको सेटिस्फाई भी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टीवी खरीदने जा रहे हो और आपके सामने 2 ब्रांड के टीवी है, एक है नॉर्मल टीवी और एक है स्मार्ट टीवी। ऑफकोर्स आप स्मार्ट टीवी खरीदना पसंद करोगे क्योंकि आप चाहोगे कि आपके पास न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी का टीवी हो। सेकेंड P है प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको टीवी खरीदना है और आपके सामने 2 ब्रांड के टीवी है, दोनों के फीचर, डिज़ाइन सब कुछ सेम है, पर एक की प्राइस ₹50,000 है और दूसरे की ₹30,000। इस केस में आप 30,000 का टीवी लेना प्रीफर करोगे क्योंकि आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है और वो भी रिजनेबल प्राइस में, जिससे आप 20,000 भी सेव कर रहे हो। प्राइस मार्केटिंग मिक्स का यही एम होता है कि प्राइस रिजनेबल रखना, ताकि अपने प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने पर भी कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे। थर्ड P है प्लेस। प्लेस मतलब के कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को कैसे और कहां से ख़रीदना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, उस हिसाब से मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंज्यूमर ऑनलाइन ख़रीदना पसंद करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स अवेलेबल करना। अगर मार्केट से ख़रीदना पसंद करते हैं तो रिटेल और होलसेल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन करना। फोर्थ P है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजिंग, मीडिया कवरेज, वर्ड्स ऑफ माउथ जैसे मीडियम का इस्तेमाल करके कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में कंज्यूमर्स को अवेयर करना। प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स का पर्पस यही होता है कि कंज्यूमर्स टीवी, सोशल मीडिया, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो जैसी चीज़ों में से ज़्यादा क्या प्रीफर करते हैं वो पता लगाना और उस हिसाब से प्रमोशन करना। आगे हम रिमेनिंग 3 P's ऑफ मार्केटिंग की बात करेंगे, जो स्पेशली सर्विसेज की ही मार्केटिंग करने के लिए फ्रेम किए गए हैं। क्योंकि सर्विसेज नेचर में इनटेंजिबल होती है, तो जब तक कंज्यूमर उस सर्विस को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक उनका ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ना हो इसलिए 3 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स का यूज़ किया जाता है, ताकि उनको सर्विसेज से लेकर आफ्टर सेल्स सर्विस तक के बेनिफिट से अवेयर किया जा सकता है। वो 3 P's मतलब ही पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस या एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं पीपल मार्केटिंग मिक्स की, जो कि हमारा 5th P है। पीपल का मतलब यहाँ होता है ऐसे प्रोफेशनल्स जो अपनी कंपनी की सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्ट करके रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे उनकी गुडविल मार्केट में बढ़ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी IT कंपनी है तो वहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी 5-star रेस्टोरेंट है तो शेफ और बाकी सर्विस स्टाफ है वो आपकी रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो स्किल्ड एम्प्लॉइज़ आपकी बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 P है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब यहाँ होता है एक प्रॉपर मैनर में हमारी सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुँचाना, मेक श्योर करना कि उसके फीचर्स, टेस्ट, डिलीवरी टाइम, आफ्टर सेल सर्विस हर बार जैसा सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मैकडोनल्ड्स का कोई बर्गर खाया और उसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार फिर से आप वही खाने गए तो आपको टेस्ट पहली बार जितना अच्छा नहीं लगा,
तो हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि सर्विसेज को प्रोवाइड करते वक्त ऐसी कोई प्रोसेस है जो फॉलो नहीं की गई है, इसके लिए ये प्रोडक्ट में कोई कमी रह गई है। ऐसा ना हो इसलिए प्रोसेस मार्केटिंग मिक्स की हेल्प से वो पता लगाया जा सकता है। 7th P है फिजिकल एविडेंस या एनवायरनमेंट। फिजिकल एविडेंस मतलब कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ अच्छा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है तो उसके साथ आपको बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है, जैसे कि जब वो एंटर करते हैं तो वहाँ का एंट्रेंस क्लीन होना चाहिए, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उनको बैठने के लिए सोफ़ा होने चाहिए, वेंटिलेशन के लिए एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, वाटर फिल्टर की फैसिलिटी होनी चाहिए, एक्सेट्रा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।